देखो ये है ट्राम के ट्रैक्स, दो ट्राम चलते हैं इधर और उधर की तरफ गाड़ियाँ चलती हैं। अगली चीज़ जो हमने देखनी है दैट इज़ दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम। वहाँ पे एक मैच भी है, दो इंटरनेशनल लीग T20 चल रही है दुबई में, तो यूएई उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो मैच है दो टीमों के बीच में, डेजर्ट वाइपर्स का और दुबई कैपिटल्स का। दुबई कैपिटल्स को ना दिल्ली कैपिटल्स ही ओन करती है, दिल्ली कैपिटल्स हमारे IPL वाली टीम जो है। तो ये ना इंटरनेशनल लीग T20 चल रही है, इंटरनेशनल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वी हैव बॉट अ टिकट फॉर दैट। तो कोई ना जाने का जरिया नहीं मिल रहा, मैं देख रहा हूँ टैक्सी टूक्सी से तो बहुत रेट आ रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करूँ, तो बस का ही वेट कर रहा हूँ। बस नंबर 84 आएगी और वो मुझे कहीं और छोड़ेगी, वहाँ से फिर एक और बस है वो लेके मैं दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पहुँच जाऊँगा। वैसे तो मैं जा तो और मोड से भी सकता हूँ ना, लेकिन क्योंकि एक्सप्लोर करने का बेटर तरीका इससे कुछ हो नहीं सकता है ना। तो ना बस में भी वही कार्ड चलने वाला है जो नॉल कार्ड है ना हमारा, जो मेट्रो में यूज़ करें सेम कार्ड बस में यूज़ होने वाला है। आई गेस ट्राम में भी वही यूज़ होता है, जो पीछे ट्राम जा रहा है उसमें भी वही यूज़ होता है, सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वही नॉल कार्ड यूज़ होता है। टिकट ये रही हमारी दुबई कैपिटल्स वर्सेस डेजर्ट वाइपर्स की, अच्छी डेट शाम को 6 बजे। मैं लेट हो गया हूँ लेकिन मेरा गेट सामने है, जीवन बड़ी मुश्किल से ढूंढा है तो मिला है। सिटी एक बार देख लो आप, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के आसपास कैसी दिखती है। ठीक है, ये सिटी है एंड दिस इज़ आर दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, राइट। गेट जीवन यहाँ पे है, इसकी एंट्री यहाँ से है और अभी चलते हैं हम लोग। जी आ गए इधर, अपन इधर आ गए दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम। दुबई कैपिटल का मैच है अभी डेजर्ट वाइपर्स के साथ, इंटरनेशनल प्लेयर्स खेलेंगे इस स्टेडियम। इस साल एशिया कप होने की भी पूरी पूरी उम्मीद है, इंडिया पाकिस्तान का मैच मिलेगा इधर आपको। ये A4 पे जाना है, दिस इज A10, A9, A8, सिमिलरली विल हैव टू गो अप टू A4, A4 इज़ आर एंट्री, पवेलियन ईस्ट इज़ आर स्टैंड, राइट। दिस इज़ पवेलियन वेस्ट, उसके आगे के स्टैंड्स, और ये है हमारा दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। इसका ना लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा है स्टेडियम। ये वाला मेरा स्टैंड है जहाँ मुझे बैठना है, पवेलियन ईस्ट, ठीक है। और मज़ा आ गया भाई, ये स्टेडियम है, ये वही आइकॉनिक स्टेडियम है, मैं दिखा देता हूँ आपको, जहाँ पे 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप था वहाँ पे इंडिया पाकिस्तान से मैच हार गई थी और बाहर हो गई थी वर्ल्ड कप से। बंदा जब एक्चुअल में बैटिंग करता है तो उसको कैसे दिखता है ये देखो, मैं एक बार दिखाता हूँ आपको पूरा। ये मैं शूट कर रहा हूँ तो आप देखेंगे, उतना अच्छा तो शूट नहीं होगा लेकिन हाँ ठीक है। ये 6 रन, क्या बात है, क्या शॉट मारा है टैम करें, टॉम करें, ही इज़ एन इंग्लिश प्लेयर ना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस का यूज़ करके आया हूँ क्योंकि इंडियन करेंसी के हिसाब से ना 600 रुपये के आसपास की टिकट है इस स्टैंडिंग, और टैक्सी से अगर आता तो 900 रुपये बता रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि भैया 600 की टिकट है, 900 तो आने जाने में लग जाएंगे, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। 150 रुपया लगा बस, 6 दिरहम, 5 और 3 8 दिरहम लगे बस, 8 दिरहम में इधर आ गया, कोई इशू नहीं आया। 30 दिरहम्स की थी, नियर अबाउट 600 पड़ेगा, और इससे भी सस्ती टिकट्स अवेलेबल थी, बट मैंने कहा चलो आज यहाँ मैच देख लेते हैं, ज़्यादा कॉस्टली नहीं था। इंडिया में अगर यही मैच हो रहे होते भाई साहब 600 का 6000 हो जाता सीधा, IPL में भी ऐसे ही रेट्स रहते हैं उनके। हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कोई क्वेरी हो दुबई के रिगार्डिंग, कैसे जाना है, कैसे वीज़ा अप्लाई करना है, कहाँ रुकना है, टिकट कैसे लेनी है,
इवेंट्स कैसे बुक करने हैं, तो ज़रूर पोस्ट करिएगा कमेंट सेक्शन में। टेक केयर, बाय बाय।